अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान, और आज कलर थ्योरी से रिलेटेड एक और क्लास, लेकिन आज हम देखेंगे इलस्ट्रेटर में कलर गाइड्स और कलर व्हील और इन सब का किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back। So first of all, आप लोगों ने color.adobe.com देखी, आप लोगों ने coolers.co देखी, आपने बहुत सारी कलर स्कीम्स देखी। फिर पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम कलर स्कीम्स की इंटरेक्शंस, यानी कलर्स की इंटरेक्शन आपस में किस तरह से निकालते हैं। लेकिन अगर आपको कलर व्हील और सारी कलर गाइड वगैरह जो जितनी भी वेबसाइट्स पर आपने देखी वो सारी की सारी इलस्ट्रेटर में ही मिल जाएँ तो क्या ही बात है। यस, इलस्ट्रेटर में कलर गाइड मौजूद है, इसमें कलर व्हील भी मौजूद है, आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, टेट्रेड, जिस तरह की कलर स्कीम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। राइट, सो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो मैंने यहाँ सिंपली एक कलर बॉक्स बनाया हुआ है ब्लू कलर, और आपके पास यहाँ पर कुछ पैनल्स दिए हुए हैं, राइट, जिसमें से एक है ये कलर और कलर गाइड। इन दोनों को ज़रा ड्रैग करके यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। कलर गाइड इज़ समथिंग दैट वी वॉन्ट, यहाँ पर आ जाएँ। तो इसमें आपको जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिहाज से ये खुद एक कलर स्कीम आपको बना के दे रहा है। अब अगर आपको जानना है कि ये कलर स्कीम कौन सी है तो ये है टेट्रेड। टेट्रेड क्या होता है? ये जस्ट लाइक जैसे कलर व्हील में चार कलर्स हमने लिए हों, और यानी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही है, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। सो अगर आपको यही कलर स्कीम कलर व्हील में देखनी है तो यहाँ नीचे देखें, छोटा सा एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आप आ जाएँ एडिट के ऊपर। सी, आपके पास वही कलर व्हील मौजूद है, एंड अगर आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर करना चाहें तो देख सकते हैं कि ये आपके डबल कॉम्प्लीमेंट्री या डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आपको बना के दे रहा है। नाउ अगर आपको इसमें से कोई और चाहिए कलर स्कीम, सी कॉम्प्लीमेंट्री, अब आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिया तो इसके अगेंस्ट ये कलर आ रहा है, ये दो कलर्स आपके पास आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर आपको दो कलर्स नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सो कॉम्प्लीमेंट्री टू में अगर आप चले जाएँ तो आपके पास मज़ीद ये कलर ऑप्शंस आपको दे देगा, ठीक है ना। अब इनको यूज़ कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। तो अगर आपको ये कलर स्कीम अच्छी लग रही है और आप चाह रहे हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ये बार बार आपको यूज़ करनी है, तो कलर गाइड में से तो वैसे ले ही सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से न्यू, ये जो कलर ग्रुप आ रहा है रीसेट है, और उसके बाद आपके पास न्यू कलर ग्रुप आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका कलर ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये कलर ग्रुप आपका सीधा सीधा उठ के स्वाचेज में आ चुका है। सी दिस, ये जो पर्पल मैंने कलर लिया था, अब इसके साथ आपके पास ये मज़ीद दूसरे कलर्स मौजूद हैं। सो ये एक आपकी कलर स्कीम खुद बना के इसने दे दी। सो ये तो आपके पास बड़ा सिंपल सा एक तरीका था, आप और इसमें क्या कर सकते हैं। सो अगर हम जाते हैं सिंपली कलर व्हील में दोबारा से एडिट करने, देखें आपके पास इस कलर व्हील में आप अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे मैं राइट कॉम्प्लीमेंट्री ले लेता हूँ। राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री लेकिन राइट साइड पे चल रहा है, सही है। बिलफर्ज, अगर आपको कुछ इसमें से कलर्स को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो अगर आप कलर माइनस करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से ये वाला बटन ले लें और आप इस पर आ कर के क्लिक कर दें, ये माइनस हो गया कलर। अगर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो एक और ऐड कर लें, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, और ये देखें ये साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो साथ जुड़ के चल रहे हैं सारे ये ना चलें, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जी ये लिंक हट जाए, तो सिंपली आप यहाँ पर आकर के क्लिक कर दें अनलिंक हार्मनी, दैट्स इट। अब ये आप अलग यूज़ कर सकते हैं, ये आप अलग यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। याद रखिएगा, हम ज़रूरी नहीं है कि जो इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसी को यूज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे, जैसे अब मैं ये जो कर रहा हूँ ये एक तरह के एनालॉगस कलर्स बना रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरह से अपनी कलर स्कीम्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो पहले रूल्स आप लोगों को पहली क्लास में समझाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए, तब इसको आकर के आप यूज़ करेंगे तो ज़रा बेहतर से रिजल्ट्स आएंगे। नाउ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन तमाम कलर्स की आप यहाँ से नीचे से सेटिंग्स और चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये कलर आपको थोड़ा सा और ब्राइट चाहिए और सैचुरेशन कम चाहिए, तो आप यहाँ से भी ये HSB के स्लाइडर्स यूज़ कर सकते हैं।
یہ ایک چیز ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کلر کی نالج پہلے سے ہونی چاہیے، پھر آپ اس کو یوز کریں تو اور زیادہ انٹرسٹنگ سی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال یہاں پہ یہ آپ کو اسموتھ کلرز دکھا رہا ہے، آپ کو یہ اس طرح سے بھی دکھا سکتا ہے سیگمنٹڈ، اور یہ آپ کو کلر کے بارز بھی دکھا سکتا ہے، یعنی کہ جو آپ کی کلر اسکیم بنی ہے اس کی۔ ہاں اس میں اتنا زیادہ کام تو ہے نہیں، سو جو آپ کو کلر اسکیم اچھی لگے آپ سمپلی اس کو اٹھا کر کے یہاں نیو گروپ کریں، یہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا، اوکے کریں گے، یہ آپ کے سمپلی سواچز میں آ جائے گا۔ آئی ہوپ یہ بہت چھوٹی سی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، کام بھی آئے گی، یہ ڈیفینیٹلی کام آئے گی اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز کریں۔ کلاس پسند آئی تو پلیز لائک کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو۔